वर्ल्ड का सबसे थिनेस्ट 5G स्मार्टफोन 6.79 mm की थिकनेस के साथ आएगा एंड लाइट वेटेड भी होगा। ये स्मार्टफोन 155 ग्राम इसका वेट होने वाला है। ये कंपनी का दावा है मोटरोला S30 स्मार्टफोन के अंदर। सो गाइज, ये स्मार्टफोन 12 मई को ऑफिशियल लॉन्च होने जा रहा है इंडिया के अंदर और वर्ल्ड का सबसे थिनेस्ट स्मार्टफोन एंड लाइटेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है मोटरोला S30। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बात करेंगे मोटरोला S30 स्मार्टफोन के कन्फर्म स्पेसिफिकेशन, जो कि लॉन्चिंग से पहले कन्फर्म लीक हो चुके हैं। सो गाइज, बनी रही वीडियो में अंत तक। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट आएगी कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए गाइज, शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे सबसे पहले फोन की बिल्ड क्वालिटी से। तो फुल्ली ग्लास बिल्ड देखने को मिलेगा, फ्रंट में भी आपको ग्लास मिलेगा, ग्लास की प्रोडक्शन मिल जाएगी एंड यहाँ पर आपको मिडिल का जो फ्रेम मिलने वाला है वो प्लास्टिक का मिलने वाला है। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है, बिल्ड क्वालिटी से आपको शिकायत नहीं आएगी। डिज़ाइन भी काफ़ी यूनिक है, डिज़ाइन भी काफ़ी पसंद आने वाला है आपको इस स्मार्टफोन का। तो यहाँ से आपको डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी से बिल्कुल भी शिकायत नहीं मिलने वाली। सो गाइस, अब बात करते हैं फोन के डिस्प्ले की। डिस्प्ले में आपको 140 GHz का हाई रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, काफ़ी स्मूथ वर्क करने वाली है, मक्खन की तरह यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले होगी और डिस्प्ले का साइज रहेगा यहाँ पर 6.5 inches की फुल HD+ वाली OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको यहां पर आपको 10-bit कलर डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, यानी कि आपको डिस्प्ले में 1 billion कलर देखने को मिलेंगे। तो काफी पंची कलर होने वाले हैं यहां पर डिस्प्ले में, आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली। व्यू एंगल काफी कमाल के मिलने वाले हैं, कलर काफी शार्प होने वाले हैं यहां पर। और यहां पर आपको कंटेंट वॉचिंग करने, गेम खेलने, वीडियो एडिटिंग करने के मामले में कोई शिकायत नहीं मिलने वाली इस डिस्प्ले के साथ। यहां पर डिस्प्ले में आपको HDR10+ की सर्टिफिकेशन मिल जाएगी, Wide 1 L1 की सर्टिफिकेशन मिल जाएगी, पंच होल देखने को मिलेगा सेंटर में और 60 FPS और 120 FPS पर तो काफी अच्छा सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलेगा यहाँ से आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं आने वाली। सो गाइस, अब बात करते हैं फोन के बैटरी बैकअप की। तो बैटरी बैकअप में आपको 4020 mAh की बैटरी मिल जाएगी, बैटरी थोड़ी सी कम है एंड यहाँ पर आपको 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और 33W फास्ट चार्जर आपको इनबॉक्स देखने को मिल जाएगा। USB Type-C पोर्ट मिल जाएगा आपको चार्जिंग में। तो बैटरी में वैसे ज़्यादा कुछ शिकायत नहीं आने वाली, लेकिन बैटरी का साइज थोड़ा सा कम है। आउट ऑफ बॉक्स आपको Android वर्जन 12 और Android वर्जन 12 के 2 वर्ष के अपडेट देखने को मिलेंगे, यानी कि यहाँ पर आप 13 और 14 एंड्रॉयड वर्जन को अपडेट कर पाएंगे इस स्मार्टफोन के अंदर ईजिली। एंड बात करेंगे यूजर इंटरफेस की, तो मोटरोला का यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा इस स्मार्टफोन के अंदर। ब्लूटूथ 5.2 वर्जन मिल जाएगा, NFC सपोर्टेड होगा, वाईफाई 6E मिल जाएगा और IP रेटिंग 52 के साथ आएगा ये स्मार्टफोन। सो गाइस, अब बात करते हैं सिम स्लॉट की। डुअल सिम स्लॉट मिल जाएंगे, माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट देखने को नहीं मिलने वाला और ना ही इस फोन के अंदर आपको जैक देखने को मिलेगा। 5G सपोर्ट की बात करें तो 5G के यहाँ पर आपको 13 बैंड देखने को मिलने वाले हैं, तो 5G काफ़ी अच्छी सपोर्ट मिल जाएगी इस स्मार्टफोन के। सो गाइस, अब बात करते हैं फोन के वेरिएंट की। 2 वेरिएंट देखने को मिलेंगे यहाँ पर, 8GB 128GB, 8GB 256GB। सो गाइस, यहाँ पर बात करें कलर ऑप्शन की, तो 3 कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे इस स्मार्टफोन के अंदर, कलर ऑप्शन में आपको कोई शिकायत नहीं होने वाली। सो गाइस, ये थे मोटरोला S30 स्मार्टफोन के कन्फर्म स्पेसिफिकेशन। सो गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, वीडियो अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। इसी के साथ थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।